यार गेम्स खेलना तो सभी को पसंद होते हैं, बट उन गेम्स के पीछे उनको बनाने वाली कंपनीज के बारे में क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी कौन सी है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दुनिया की 10 सबसे बड़ी गेमिंग कंपनीज और उनके इस साल के सबसे बड़े और फेमस गेम्स जिनसे उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर अगर आपने अब तक गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता रहेगा ऐसे ही गेमिंग कॉन्टेंट। सोनी, जिसकी शुरुआत 1946 टोक्यो जापान में हुई थी, ये एक टेक जायंट होने के साथ साथ एक गेमिंग कंपनी भी है जिसने 24 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया। अपने ह्यूज कलेक्शन के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है जिसने ईयर 2020 में अपने प्लेस्टेशन सीरीज के एडिशन 5 को लॉन्च किया था एंड वर्ल्ड में कंसोल गेमिंग को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। प्लेस्टेशन के साथ साथ ये बहुत सारे गेमिंग स्टूडियोज भी ओन करती है, जैसे नॉटी डॉग, सैंटा मोनिका, गोरिल्ला गेम्स एंड और भी बहुत सारे, लास्ट ऑफ अस, स्पाइडरमैन, अनचार्टेड जैसे बहुत सारे ब्लॉकबस्टर गेम्स इस कंपनी पब्लिश करे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी होने के साथ साथ वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी भी है, जो कि अपने एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल्स बनाने के साथ साथ बहुत सी गेमिंग स्टूडियोज को ओन भी करती है, जैसे मोजैंग स्टूडियोज जिसने माइनक्राफ्ट को डेवलप किया है जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वीडियो गेम बन चुकी है। इन्हीं सब अचीवमेंट्स के कारण माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट ईयर 16.3 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स के कंसोल्स काफी पॉपुलर है और एक क्लाउड गेमिंग से भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फोर्ज़ा होराइज़न, हेलो, गियर्स ऑफ वॉर कुछ इसके एक्सक्लूसिव गेम हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं, बट आप उन्हें सिर्फ एक्सबॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर ही खेल सकते हो। निंटेंडो एक जापानीज बेस्ड कंपनी है जिसका मेन ऑफिस क्योटो में है। यह 1889 में बनी थी और वर्ल्ड की सबसे पुरानी गेमिंग कंपनीज में से एक है, जिसने वर्ल्ड को आर्केड गेम्स से इंट्रोड्यूस करवाया था। इस 133 ईयर ओल्ड कंपनी ने हमें कुछ टेट्रिस जैसे गेम्स दिए हैं जिससे बचपन में हर बच्चे ने खेले ही होंगे, एक्सेप्ट अगर आपकी फैमिली हैरी पॉटर की आंट जैसी हो तो। वेल, अगर आपने टेट्रिस ना भी खेला हो और आप पोकेमोन के फैन हो तो आपने इनके पोकेमोन सीरीज या फिर मारियो सीरीज तो खेली ही होगी, अगर नहीं खेली तो सुनी जरूर होगी। अगर बात करें इसके गेमिंग रेवेन्यू की तो लास्ट ईयर इन्होंने अपने गेमिंग कंसोल्स यानी कि निंटेंडो स्विच से एंड अपने बेस्ट सेलिंग गेम पोकेमॉन लेजेंड्स आरसेस की मदद से 15.3 बिलियन डॉलर्स का ह्यूज कलेक्शन किया और ये जापान की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है सोनी के बाद। टेंसेंट एक ऐसी कंपनी है कि अगर आपने सपोज लास्ट के कुछ सालों में ही गेमिंग करनी स्टार्ट करी हो तब भी आप इसे जानते ही होंगे। ये एक चाइना बेस्ड कंपनी है जिसने 2018 में पबजी मोबाइल से दुनिया में मोबाइल गेमिंग की क्रांति ला दी थी और लगभग 14 बिलियन डॉलर्स भी कमाए हैं गेमिंग रेवेन्यू में। इसी के साथ साथ ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में भी शेयर होल्डर है, जिसकी वजह से वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग गेमिंग कंपनीज में से एक है। एक्टिविजन ब्लिजर्ड की शुरुआत 2008 यूएसए में एक्टिविजन एंड ब्लिजर्ड के मर्ज से हुई। ये दोनों कंपनीज वर्ल्ड की टॉप गेमिंग कंपनीज में से एक है। ब्लिजर्ड ने ओवरवॉच को डेवलप किया था जो कि गेमर्स को बहुत ही पसंद आई थी एंड एक्टिविजन की गेम कॉल ऑफ ड्यूटी जो कि पिछले दो डेकेड से गेमर्स के दिल पर राज कर रही है, इसी वजह से कंपनी का इस लिस्ट में होना तो बनता ही है। इस कंपनी ने लास्ट ईयर 8.8 बिलियन डॉलर्स का ह्यूज गेमिंग रेवेन्यू कलेक्ट किया जिसमें इनकी मोस्ट प्रॉफिटेबल गेम कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड थी। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स एक गेमिंग कंपनी है जिसे 1982 में यूएसए में स्टार्ट किया गया था। अगर रेसिंग, स्पोर्ट्स या एक्शन इन तीनों को अगर एक साथ देखा जाए ना तो दिमाग में बस ये का ही नाम आता है। इसने गेमिंग को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है, वो भी अपने ग्राफिक्स और यूजर एक्सपीरियंस की वजह से। ईए जिसने हमें नॉस्टैल्जिक गेम्स दिए हैं जैसे कि नीड फॉर स्पीड एंड स्टार वॉर्स। इसी के साथ साथ इसने फीफा जैसी बहुत ही पॉपुलर सीरीज भी दी है गेमर्स को। वो बात अलग है कि ईए वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कंपनीज भी है, खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। रेवेन्यू की बात करें तो इन्होंने 5.6 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू किया था। एपिक गेम्स का नाम कौन नहीं जानता होगा भाई, जो भी आज के डेट में GTA 5 फ्री में खेल रहा है ना ऑफिशियली, वो एपिक गेम्स स्टोर से ही लिया उसने। और साथ साथ ये लोग अपने अनरियल इंजन के लिए भी जाने जाते हैं। और आपने फोर्टनाइट का नाम तो सुना ही है ना, जो कि वर्ल्ड की टॉप बैटल रॉयल गेम है, उसे भी इसी कंपनी ने बनाया है जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है और इसे 1991 में स्टार्ट किया गया था। ये हाईली प्रॉफिटेबल एस्टैब्लिशमेंट साबित हुई है जिसने ईयर 2021 में गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स की फेवरेट फॉल गाइज एंड फोर्टनाइट के साथ ओवर 5.1 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया एंड इसकी मेजर सेल्स फोर्टनाइट से वर्ल्ड से हुई थी। 2K Interactive एक अमेरिकन कंपनी है जिसे 1993 में स्टार्ट किया गया था। ये मल्टीपल स्टूडियोज को होल्ड करती है जिसमें से दो सबसे बड़े हैं रॉकस्टार गेम्स जिसने हमें GTA और Red Dead Redemption जैसे गेम्स दिए हैं एंड अगला है 2K जिसने हमें WWE, NBA जैसी गेम्स दी हैं। इन गेम्स की वजह से इसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू 3.5 बिलियन डॉलर्स के करीब था एंड इसकी मोस्ट प्रॉफिटेबल गेम लास्ट ईयर NBA 2K22 थी। खैर हाल ही में इन्होंने Zynga को भी एक्वायर कर लिया है, बट उसकी फिगर्स रिफ्लेक्ट होने में अभी एक साल लगेगा। Ubisoft Entertainment साल 1986 में फ्रांस में स्टार्ट की गई थी जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सालों से हमें कई बेहतरीन गेम्स देती आ रही है, जैसे कि Watch Dogs, Assassin's Creed एंड Far Cry जो कि स्टोरी एंड ग्राफिक्स के लिए वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। इसने लास्ट ईयर ओवर 2.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू भी जनरेट किया था जिसका एक मेजर सोर्स था Far Cry 6।
बैंडाई नामको, जिसे फाउंड किया गया था 2006 टोक्यो में, इसने हमें कुछ बहुत ही बेहतरीन एज वेल एज नॉस्टैल्जिया से भर देने वाले गेम्स दिए हैं, लाइक ड्रैगन बॉल एंड पैकमैन। बैंडाई नामको दुनिया की टॉप गेमिंग कंपनीज के साथ साथ वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग कंपनीज भी है, जिसकी वजह से टॉप 10 की लिस्ट में आ पाई है और इसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू था $2 बिलियन। एंड इसमें से इसका मेन प्रॉफिट आता है लिटिल नाइटमेयर सीरीज के सेकंड पार्ट लिटिल नाइटमेयर 2 से, और इस साल ये जापान की थर्ड लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी भी है। तो गाइस ये थी वो टॉप 10 गेमिंग कंपनीज पूरे वर्ल्ड में, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये लिस्ट जो है ये हर साल चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि कौन सी कंपनी कितना ज्यादा कमा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल चेंज होता रहता है। एंड ये वीडियो बेस्ड है लास्ट ईयर के डेटा पे, एंड इसीलिए इसमें जो लेटेस्ट एक्विजिशन है जैसे कि टेक टू का जिंगा के साथ एक्विजिशन एंड साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिविजन के साथ एक्विजिशन, वो इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद ही हम इंक्लूड कर पाएंगे, एंड उसके बाद डेफिनेटली ये लिस्ट काफी चेंज हो जाएगी। बाकी आपकी फेवरेट गेमिंग कंपनी कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गेम्स गॉसिप इंडिया पर आपको मिलता रहेगा ऐसी गेमिंग कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।